हेलो गाइस, आज मैं नई रेसिपी के साथ हूँ और मैं आज एक दूध की रेसिपी बना रही हूँ। और यहाँ मैंने आधी किलो दूध लिया है अमूल का, तो यहाँ मैं इसको उबालने चढ़ाया है। आप इसे चलाते रहना है कंटिन्यू, करीबन 5 मिनट तो चलाना चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और मैं इसकी चाशनी की तैयारी करती हूँ, तब तक मैं इसे चलाकर छोड़ देती हूँ। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है जिसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लूंगी। ये देखिए, 1 कटोरी पानी चढ़ाया, थोड़ा सा और चाशनी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा और लिया है। बाकी मैंने इसमें केसर, बाकी इसमें मैंने कुछ और एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, सारी खाली केसर डाला है जिससे मुझे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये रेसिपी मैं कई बना चुकी हूँ, दूसरी बार, सबको बहुत पसंद आई तो मैंने आप लोगों के लिए भी इसकी वीडियो लाई हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, यहाँ मेरे दूध में उबाल आ गया, आप देख सकते हो काफ़ी मतलब मलाई थी तूने लगी ऊपर को। और यहाँ मैं इसे चलाती रहूंगी। यह है खोआ, जिसके पास मिल्क पाउडर नहीं है, नहीं कर पाते हैं वो जस्ट, तो वो खोआ यूज कर सकते हैं और खोए से भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है। रबड़ी बनने में बहुत इजी है कि खोआ यूज हो जाए। मिल्क पाउडर मैंने तो नहीं यूज करा कभी, तो मैंने खोआ यूज करा है तो मैं खोआ डाल रही हूँ। यहाँ मैंने गोला घिस लिया था और मैंने ये गोला घिस कर इसमें डाला क्योंकि मेरा दूध गाढ़ा होने लगा है। और ये सूखा नारियल, इसका भी बुरादा मैंने बना लिया है। तो यहाँ मैंने पिस्ता, काजू और बादाम ये भी काट लिए हैं, तैयार कर लिए इसमें डालने के लिए। तो मैं इसमें ये सब कुछ चलाऊंगी, मेरी रबड़ी तैयार होने वाली है तो इसलिए मैंने इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। इनमें सब कुछ डालने के बाद जो फ्लेवर आता है ना, वो एक अलग ही आता है। मैंने कोई इनको वो तो गाइस, मैंने कोई फ्राई नहीं कराया किसी चीज को ऐसा। तो यहाँ मेरी चाशनी तैयार होने लगी है, आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है। अभी थोड़ी पतली है, हल्की सी गाढ़ी लूंगी, ज्यादा पतली भी नहीं ज्यादा गाढ़ी भी नहीं। यहाँ मेरी रबड़ी बिल्कुल तैयार है, मैंने गैस बंद कर दिया है, आप देख सकते हो मैंने गैस ऑफ कर दिया क्योंकि मेरी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैं ब्रेड कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं इस कटोरी की सहायता से ब्रेड को कट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हो बिल्कुल गोल कटिंग, ये एक एक स्लाइड में सारे कट कर लूंगी, इसके जितने भी साइड है सब हटाने हैं मुझे। तो ये मैं आपको सिर्फ 2 ही दिखा रही, बाकी मैंने सारी कट करके रख ली हैं। और देखने में भी सुंदर लग रही हैं, हर तरीके से बना सकते हैं इसे, चकोर भी, जैसे आप चाहो वैसे डिजाइन दे सकते हो, मैंने गोल दिया है। तो यहाँ मेरी ब्रेड कटिंग हो चुकी है, यहाँ मेरी रबड़ी तैयार है, ठंडी हो गई है, गाढ़ी हो गई है। यहाँ मैंने गोले का सूखा बुरादा लिया है जिसे मैं ब्रेड की डेकोरेटिंग में यूज करूंगी, और कुछ मुझे उसे लगाना भी है तो मैं डेकोरेटिंग और इसमें सब में यूज करूंगी। यहाँ मैं रबड़ी ब्रेड पे लगाना तैयार कराया है, इसे काफी अच्छे से लगाना है, आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। ये लगाकर मैं दूसरी ब्रेड इसके ऊपर से रखनी है। ये मैंने दूसरा पीस उठाया और मैंने इसके ऊपर रखा। ये जो भी कोई आपके फंक्शन वगैरह है, त्योहार है, उसमें आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं इसे। अब इसे मैं चाशनी में डिप करूंगी। अभी राखी का त्योहार आ रहा है, तीज आ रही है, तो आप लोग घर में भी बना सकते हैं इसे।
तो यह मैंने चाशनी में डिप करा, फिर गोले के बुरादे में इसे मुझे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके मुझे ऊपर नीचे से सेट करना है। ये देखिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से करा, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। जितना ही अच्छा कलर आया है इतनी अच्छी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट है। तो गाइज आप भी ट्राई ज़रूर करना, ये जो रेसिपी मैंने ट्राई करी है ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे बनने में, करीबन 15 मिनट, टोटल 15 मिनट लगे इसे बनने में। और मैंने इसे शॉर्ट तैयार करा है, जो बाकी की चाशनी थोड़ी बहुत बची है तो वो हम ऊपर से डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे मेरी रेसिपी तैयार है, आप लोग भी घर में ट्राई करना। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय दोस्तों।